आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। आप में से 70% बच्चे इस हताशा में बैठ गए हैं कि यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम शिफ्ट होगा, आगे जाएगा, पीछे जाएगा, क्या होगा। मैं आपको एक बात क्लियर बता दूं कि आप रोज़ पेपर में देख भी रहे होंगे, रोज़ कहीं ना कहीं न्यूज़ से सुन भी रहे होंगे, रोज़ लोग इस पर वीडियो भी बना रहे हैं। मैं बस आपको इतना कह रहा हूं कि अपनी तैयारी को इतना बेहतरीन रखिए कि अगर 22 तारीख को 27 तारीख को भी पेपर हो जाए तो आपकी तैयारी है। मान लिया छूट जाता है तो उसके बाद कभी भी पेपर हो, आप हमेशा तैयार रहें यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि होगा तो 2024 में ही, 2025 में नहीं होगा यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम। इसलिए दो तीन चीज़ें मैं आपको बता दूं। सबसे पहला काम कि जो डेली टारगेट मैं यूपी पीसीएस के लिए दे रहा हूं, आप सभी से विनम्र निवेदन है, चाहे आप किसी को कुछ कहते रहिए, चाहे आप कुछ भी मत करिए, आप बस एक काम करते रहिए, डेली टारगेट जो स्पेशल टारगेट यूपी पीसीएस के लिए मैंने बना रखा है उस स्पेशल टारगेट को पूरा करिए, डेली टारगेट को पूरा करिए, सबसे पहला काम। दूसरा जो सबसे ज़रूरी है, जो टेस्ट सीरीज लेकर के यूपी पीसीएस की आप लोग रख के बैठ गए हैं अपने पास, उसको रख के मत बैठिए, उसको रोज़ एक फुल लेंथ अटेम्प्ट करिए। यूपी पीसीएस वाले में 50 फुल लेंथ अलग से टेस्ट है, ठीक, आप उसको रोज़ अटेम्प्ट करिए, बिना उसके यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स नहीं निकलता, ये इतिहास गवाह है। का कोई विरला, देखिए मैं कोई टॉपर तो हूँ नहीं, या मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ कि कोई अलग से मैं ब्रिलियंट आदमी हूँ कि मेरा निकल ही जाएगा, नहीं, एक हर आम आदमी को यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स को निकालने के लिए टेस्ट सीरीज देना पड़ता है, यूपीएससी निकालने के लिए टेस्ट सीरीज देना पड़ेगा, बिना उसके लिए नहीं निकलेगा, ठीक। तो सबसे पहला तो आप डेली टारगेट को पूरा करिए, एक काम। दूसरा काम है आप टेस्ट सीरीज़ ज़रूर दीजिए। देखिए एग्ज़ाम आज हो, दिसंबर में हो, नवंबर में हो, आपको इससे फ़र्क अभी नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका सिर्फ एक काम है पढ़ाई करना। एक बात कन्फर्म है कि पेपर होगा 2024 में ही, और अभी चल रहा है आधा अक्टूबर, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो एक महीना शिफ्ट होगा। तो आप इतना हताश मत होइए कि अरे फैल के बैठ जाए भैया, 450-600 पोस्ट हैं, आप मेहनत करते रहिए, एग्ज़ाम के दिन का वेट मत करिए कि अब आयोग ने कह दिया 20 दिन बाद पेपर हो जाएगा, अरे तब कुछ नहीं कर पाएंगे, आज से शुरू करिए। जब बार ये देखिए, का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय बीत फिर का पछताने, जब समय है आपने तब नहीं मेहनत की तो बाद में आप करके करेंगे क्या, ये बताइए, ठीक। तो डेली एक टेस्ट सीरीज दीजिए, डेली दीजिए, इसमें कोई शर्म नहीं, डेली टेस्ट सीरीज दीजिए, डेली का डेली टारगेट पूरा करिए। यूपी पीसीएस का टेस्ट सीरीज के लिए टॉपर्स कोड पर आप आराम से जाइए, बेहतरीन टेस्ट सीरीज है भाई। उससे बाहर मैं आपको जब खुला चैलेंज दे रहा हूँ कि 60 प्रश्न आपको टेस्ट सीरीज से ही मिलेंगे और कहीं से नहीं मिलेंगे यूपी पीसीएस में, याद रखिए, टेस्ट सीरीज और 30 सालों की पीडीएफ से 60 प्रश्न मैं आपको एग्जाम के बाद दिखाऊंगा, आरओआरओ में भी और यूपी पीसीएस में भी। और करंट अफेयर्स के लिए उसी तरीके से मैं आपको बता चुका हूँ, डेली मंथ का जो मंथली करंट अफेयर्स है वो आप पूरा करिए, टेलीग्राम पे मैंने उसकी पीडीएफ डाल रखी है अब तक की, ठीक। और लास्ट में जो एग्ज़ाम के आएगा एक महीने पहले, वो उससे आपको पढ़नी है करंट अफेयर्स, सिर्फ दो काम, आपका सब पूरा हो जाएगा बिना एक्स्ट्रा दिमाग लगाए। लेकिन डेली पढ़ते रहिए, डेली आप रिवाइज करते रहिए, और रिवाइज का मतलब डेली टारगेट कंप्लीट करिए, आपका अपने आप आधा ज़्यादा चीज़ तैयार हो जाएगा। थैंक यू सो मच।